नमस्कार। लोकस्व टीवी पर मैं दिलीप जगवानी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुशासन दिवस पर अटल बिहारी विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा मोदी की गारंटी होगी पूरी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की देश दुनिया में बिखरी खुशियां, आधी रात को झूम उठे मसीही जन। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल, अक्षत कलश यात्रा के जरिए दिया जा रहा निमंत्रण। और मल्हार के चिल्हाटी में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्राप्त है दर्जा। अब वक्त है खबरें विस्तार से देखने का। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का सोमवार को बिलासपुर में दूसरा आगमन रहा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुल उत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह भी उपस्थित रहे। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए ज्ञान पथ, धनवंतरी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और शहीद वीर नारायण सिंह व्यायामशाला का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इसके बाद अटल यूनिवर्सिटी के कुल उत्सव में भी सीएम शामिल हुए। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आए अतिथियों का स्वागत किया गया। सीएम ने कहा कि आज सुशासन दिवस है, आप सबके सहयोग से सुशासन आएगा, इसके लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। दुख की बात है कि शिक्षा के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, इसे जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। विश्वविद्यालय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि अटल जी की जयंती के दिन आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और तीन तीन कार्यों का यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। एक व्यायामशाला, एक प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर और एक रोड का। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने कहा कि आगामी वर्ष अटल जी की जयंती का शताब्दी वर्ष है, जिसको वर्ष भर धूमधाम से मनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर भी कुलपति ने अपने विचार व्यक्त किए। आज से अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ करने का निर्णय हमारे विश्वविद्यालय लिया है। 25 अगस्त 1924 को वो जन्म हुए थे और 25 दिसंबर 2024 तक हम कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। इसके उपलक्ष्य में हमने विश्वविद्यालय के जो प्रकाशन है, खनार है और भी पुस्तकें, उनका उनसे लोकार्पण कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी प्रमुख सड़क है, उसका नाम ज्ञान पथ रखा गया है। एक धन्वंतरी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया है उन्होंने और साथ ही साथ शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर एक सुसज्जित जिम व्यायामशाला का लोकार्पण उनके माध्यम से हुआ है। मुख्यमंत्री के सामने बेलतरा विधायक ने उनके क्षेत्र में आने वाले तीन विश्वविद्यालय में स्टाफ की कमी और काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की, जिस पर सीएम ने जल्द ही विचार करने की बात कही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में हमारी सरकार द्वारा 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया गया है। 15 साल हमारी सरकार में 2 साल के धान खरीदी का बोनस नहीं दे पाए थे, उसका भुगतान कर दिया गया। अटल जी की जयंती पर किसानों का बकाया 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया। 5 वर्षों में मोदी की गारंटी में जो भी वादा किया है वो पूरा करेंगे। चुनाव के दौरान हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया था कि 2 साल का बोनस अटल जी की जयंती के दिन उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे और आज पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 2 साल का बोनस करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया गया।
उनकी जयंती को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। सोमवार को राजधानी रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजभवन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इधर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती अवसर पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दिन ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। शहर विधायक अमर अग्रवाल, निगम आयुक्त कुणाल दूधावत सहित सफाई कर्मचारी और भाजपा नेताओं ने सोमवार सुबह सिम्स मार्ग और छत्तीसगढ़ भवन के पास झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सुशासन दिवस को चरितार्थ करने इस तरह के आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। पूरे एक सप्ताह तक शहर से लेकर गांव तक सफाई के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। जिला पंचायत सभा कक्ष में सुशासन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। इस दौरान सभी ने जिले में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति अंकित गौराहा, सदस्य गौरी बघेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वक्ता थे, पत्रकार थे, कवि थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपने जीवन काल में राजनीतिक भावनाओं से परे रहकर देश के विकास के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। मैं उनको स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ और आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हमारे किसान भाइयों को पुण्य की राशि प्रदान की जा रही है। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव पर रविवार रात बिलासपुर में मसीही समाज क्रिसमस की खुशियों में डूबा था। शहर के सभी गिरजाघरों में आयोजित कैरोल सॉन्ग और प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में मसीही जन शामिल हुए। प्रभु के जन्म की खुशी में केक काटकर विशेष आराधना की गई। रात 12 बजे उद्धारकर्ता यीशु के जन्म लेते ही समाज के लोगों में खुशी की लहर छा गई। सभी ने चरनी में बालक यीशु के दर्शन किए। क्रिसमस त्योहार पर गिरजाघरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई। एक दूसरे से गले मिलकर पर्व की बधाई दी गई। विश्व के सभी जगह जहाँ कोई भी हो, आज आप देखोगे कि मॉल हो, दुकान हो, सब जगह हो, आज सब जगह स्टार, सांता क्लॉज, ये सब बड़े बड़े ये केक, सब जगह लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आनंद का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह एक आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं और जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो उनको अपना एक उद्धारकर्ता मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस जगत में आए और सूली पे चढ़े और तीसरे दिन उन्होंने जी उठे और सारे तरफ, सब तरफ जितने भी है, खास करके ये यूरोप कंट्री में, फॉरेन कंट्री में क्रिसमस त्यौहार को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। बिलासपुर शहर सोमवार सुबह 8 बजे तक कोहरे की चादर से लिपटा रहा। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे कोहरा भी छटने लगा। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पारा 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यायधानी में ठंड ने अपना असर फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे के चलते दृश्यता में कमी आई है, इसकी वजह से सुबह वाहन चालकों को समस्या हुई। हालांकि धीरे धीरे कोहरा छटने लगा था। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर H.P. चंद्रा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के कारण नमी की मात्रा में थोड़ी कमी आई है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है। चूंकि पूर्व से अपेक्षाकृत गर्म हवा चल रही है, इसके कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ये तीसरा अवसर है जब रिवर व्यू रोड में खुदाई की गई है।
बीते साल केबल बिछाने निजी कंपनी को नगर निगम ने इसके लिए अनुमति दी थी। इस साल दोबारा अमृत मिशन के लिए ठेका कंपनी ने सड़क खोद डाली। इन दिनों वाल डालकर यहां चेंबर बनाया जा रहा है। इससे पहले इस जगह पाइप बिछाकर सड़क बनाया था, जिसे कंपनी ने फिर खोल दिया है। रिवर व्यू रोड में सैर करने सुबह और शाम के समय लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा सरकंडा और शनिचरी को जोड़ने ये प्रमुख मार्ग है। बार बार खुदाई से इसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। और उधर शाम होते ही तिफरा का हाईटेक बस स्टैंड अंधेरे में डूब जाता है। यात्री सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। नगर निगम ने पोजीशन लेने के बाद से इसकी सुध नहीं लिया है। ऐसे में बस अड्डे की व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड नगर निगम के अधीन होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि यात्री सुविधाओं का बेहतर विस्तार होगा, सफाई की समुचित व्यवस्था के साथ बस स्टैंड व्यवस्थित नजर आएगा। लेकिन एक साल बीत जाने पर भी चनमराई बस अड्डे की व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है। उल्टे यहां हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब शाम होते ही हाईटेक बस अड्डे में अंधेरा पसर जाता है। कहा जा रहा है बिल का भुगतान नहीं करने से विभाग ने बिजली सप्लाई रोक दिया है, विद्युत व्यवस्था में खराबी नहीं सुधारा जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। अंधेरे में यात्री किसी तरह यहां पहुंचकर बस में सवार होते हैं। रात में लंबी दूरी की बसें रवाना की जाती है, जिसमें यहां से सवार होने वालों की संख्या काफी कम होती है। अंधेरा और सुनसान बस स्टैंड में आने से यात्री अपने जानो माल की सुरक्षा को लेकर सहमे होते हैं। यहाँ न लाइट की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है और न पानी की व्यवस्था है यहाँ। उसके बाद न पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, पूरा ढप है बस स्टैंड। दिन के उजाले में भी आपको यहाँ यात्री सुविधाएं दिखाई नहीं देती। 10 सालों में संचालन के दरमियान CSIDC ने यात्री और बस संचालकों की कभी सुध नहीं ली। उल्टे हाईटेक बस स्टैंड को बदहाल बनाने अधिकारियों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। जल निकासी सफाई व्यवस्था आज तक नहीं सुधारा है। नगर निगम बस संचालकों के साथ चर्चा कर स्टैंड का किराया, संचालन और यात्री सुविधा पर ठोस निर्णय ले सकता है, मगर महापौर सभापति विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार के बाद इस तरफ ध्यान देंगे, फिलहाल ये उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। महोत्सव की तैयारी और इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश भेजे गए हैं, जिसे हर जगह भ्रमण कराया जा रहा है। रतनपुर के पंडरीनाथ मंदिर में स्थापित 22 कलशों का वितरण नगर के 15 वार्डों के वार्ड प्रमुखों को किया गया, जिसे ससम्मान प्राप्त करने के लिए वार्ड प्रमुख भक्तजनों की टोली के संग भजन कीर्तन करते हुए पंडरीनाथ मंदिर पहुंचे। यहां सैकड़ों की तादाद में मौजूद भक्तजनों ने सामूहिक रूप से अक्षत कलश की भव्य आरती उतारी। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। अक्षत कलश लेकर पंडरीनाथ मंदिर से भजन कीर्तन करते हुए यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तजन शामिल हुए। इस अवसर पर नगर के लोगों ने आमंत्रण स्वरूप अक्षत कलश का दर्शन लाभ प्राप्त किया। इस दौरान मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे जैसे सुमधुर भजन ने कानों में रस घोल दिया। पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो गया और नगर राममय नजर आने लगा। ग्रामवासी ने एक साथ एकजुट होकर संकल्प लिया है कि हम ये कलश को लेकर अपने अपने वार्डों में जाएंगे। इसके पश्चात हम जो निमंत्रण पत्र आया हुआ है और राम भगवान की जो मूर्ति आई हुई है चित्र रूप में एवं जो अक्षत आया है, इसे हम अपने वार्डों में एक एक घर में जाएंगे और हम वार्डवासियों से ये बोलेंगे कि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और 22 जनवरी को हम सब पूरे वार्डवासी अपने अपने वार्डों में जगह निर्धारित कर दिया गया है। रतनपुर गांव में
अक्षत कलश हफ्ते भर पहले पंचमी तिथि को आई थी, उस अक्षत कलश से हमने 22 कलश आज तैयार करके हर घर में रतनपुर के हर गली हर मोहल्ले में जाकर अक्षत निमंत्रण देना है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। ये हिंदू समाज और सनातन समाज के लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है और इससे हम लोग सब हर्षोल्लास के साथ मनाए रहे। बता दें कि अयोध्या धाम से पहुंची अक्षत कलश से आमंत्रण स्वरूप पीला चावल और हल्दी लेकर घर घर जाकर लोगों से आग्रह किया जा रहा है आने वाले 22 जनवरी को देव स्थलों व अपने अपने घरों में देव दिवाली जरूर मनाएं। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। बिलासपुर आरपीएफ के सामने खड़ी गाड़ियां हटाने किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है, जिसके बाद स्टेशन में लॉबी के सामने बेतरतीब वाहनों की पार्किंग शुरू हो गई है। इससे यहां पहुंचने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरपीएफ की मनाही के बाद भी यहां वाहनों की पार्किंग रेलवे स्टाफ कर रहा है। रेलवे के कर्मचारी ही नियमों की जो है अवहेलना कर रहे हैं। रोजाना यहां 50 से 70 कर्मचारी अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण गेट नंबर 3 और 4 के आसपास जाम की स्थिति निर्मित होती है। शहर की एक गली ऐसी भी है जिसमें रहने वाले लोग अलग अलग वार्ड से आते हैं। 2 पार्षदों के फेर में फंसे यहां रहने वाले लोग हलाकान हैं। जन प्रतिनिधियों ने सफाई कराने से पल्ला झाड़ लिया है, इससे परेशानी खड़ी हो गई है। चुनाव जिताकर जिसे पार्षद बनाया, वार्ड वासियों के लिए वही सिरदर्द साबित हुआ। जन प्रतिनिधि चुनने का कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायत करने पर 2 पार्षद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। दरअसल मसला वार्ड की सीमा में फंसे सरगंडा में एक गली का है, जिसमें रहने वाले नागरिक सफाई सुविधा नहीं मिलने से बेहद परेशान है। पड़ोसी अलग अलग वार्ड से हैं, लिहाजा नाली की सफाई कराने दोनों पार्षद तैयार नहीं है। ऊबड़ खाबड़ सीसी रोड की मरम्मत एक दूसरे पर डाल रहे हैं। पुराना सरगंडा की ये गली वार्ड क्रमांक 64 और 66 की सीमा है। नागरिक खुद से नाली की सफाई करने मजबूर है। उधर का वार्ड दूसरा है, एक ही गली में दो वार्ड है। उधर वाला पुष्पा तिवारी का है 64, हाँ, और इधर का है 66, गढ़ेवाल। हाँ, गढ़ेवाल पर आज तक गढ़ेवाल को हम लोग देखे नहीं है। इस गली में पुष्पा तिवारी को तो चलो देखते हैं, वो करवाती भी है कभी कभी। क्या कमी है इस आपकी बस्ती में? अब वही है भाई, उनका कोनी है करके वो कोनी को देखते हैं। इधर का वार्ड उनके में है, नहीं है बोलते हैं, पर कोनी वार्ड में तो ये आता है। हाँ, मनीष गढ़ेवाल के में। तो ये साफ सफाई क्या व्यवस्था है इस वार्ड में? साफ सफाई तो कभी नहीं होता। ये नाला का मेरे घर के बच्चे करते हैं। ये नाला को बीच में पूरा इतना फूल हो गया था कि मेरे घर में पानी जाता है बरसात में। सकरी गली में खुली नालियों से उठती दुर्गंध से महिलाएं बेहद परेशान है। लचर बिजली व्यवस्था के कारण हवा का हल्का झोंका आने पर बिजली गुल हो जाती है। 66 नंबर के वार्ड वासी कहते हैं उनका पार्षद मनीष गढ़ेवाल कोनी में रहता है, वो इधर कभी झांकने नहीं आया। शिकायत करने का कोई असर नहीं होता। वार्ड 64 की पार्षद पुष्पा तिवारी नजर तो आती है, मगर गली की सफाई कराने पर वो हाथ खड़े कर देती है। ऐसी स्थिति में एक गली में रहने वाले नागरिकों को 2 पार्षद होने का कोई लाभ नहीं हुआ। वे इसे अपना दुर्भाग्य मान चुके हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नैसाल में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे ने कोरबा से कोचुवेली, तिरुनवेली, बिलासपुर, यशवंतपुर, कोरबा, हैदराबाद, रक्सौल, पटना, सिकंदराबाद सहित 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। दक्षिण मध्य रेलवे में तीसरी रेल लाइन के कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट बल्लार शाह सेक्शन के हसन पार्थी रोड स्टेशन और उपल स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग से पहले के कार्य को करने के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की आवश्यकता पड़ रही है, जिसे देखते हुए रूट की कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। सुशासन दिवस पर अटल बिहारी विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा
मोदी की गारंटी होगी पूरी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की देश दुनिया में बिखरी खुशियां, आधी रात को झूम उठे मसीही जन। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल, अक्षत कलश यात्रा के जरिए दिया जा रहा निमंत्रण। और मल्हार के चिल्हाटी में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्राप्त है दर्जा। मल्हार क्षेत्र के अंतर्गत चिल्हाटी में शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। गरीबों के मसीहा और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हर साल आदिवासी समाज पूरी श्रद्धा के साथ याद कर उन्हें नमन करता है। इस मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। 1795 में सोना खान के जमींदार के घर पैदा हुए वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में विद्रोह किया था, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। गरीबों के प्रति उनकी चिंता और देश को आजाद करने की ललक बचपन से कूट कूट कर भरी हुई थी। यही कारण है कि रसूखदार साहूकारों से दुश्मनी मोल लेकर वे गरीबों का पेट भरने लड़ाई लड़ते रहे। साहूकारों की यही नाराजगी अंग्रेजों तक पहुंची और मौका खोजकर उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी देकर तोप से उड़ा दिया गया। आदिवासी समाज उनके योगदान को देखते हुए हर साल उन्हें याद करता है। पुण्यतिथि के अवसर पर दिसंबर माह में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में मल्हार क्षेत्र के चिल्हाटी में भी आदिवासी समुदाय ने उनकी एक प्रतिमा स्थापित कर शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया। इस मौके पर गांव में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए, जिसमें कर्मा, सुवा, डंडा नृत्य दलों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। पूजा पाठ के साथ साथ शहीद के जीवन चरित्र की भी जानकारी स्थानीय लोगों को दी गई। आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी शासकीय सेवक संघ के सौजन्य से उनकी याद में यहां प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण आर राजभानु सहित समाज प्रमुखों द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बिलासपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर, सक्ती, कोरबा, रायपुर, सारंगढ़ जिले के सर्व आदिवासी समाज उपस्थित रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट के द्वारा इन दिनों फाटक पर भारी वाहनों की आवाजाही और इसे क्षतिग्रस्त करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बिलासपुर पोस्ट के अंतर्गत संपार फाटकों में अन्य भारी वाहनों द्वारा फाटक को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाद वाहनों को आरपीएफ थाने लाया गया। हाल ही में जयराम नगर संपार फाटक को रेत से भरे हाईवा ने ठोकर मार दी, इससे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। गेटकीपर ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी, जिसके बाद हाईवा चालक को बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट लाया गया। यहां वाहन चालक और उसके मालिक के विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। ACCU और सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि जराभाटा सिंधी कॉलोनी निवासी साहिल धनवानी अपने घर पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप रखे हुए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी साहिल के घर से 115 नग कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 2,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग की टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर धावा बोलकर खनिज उत्खनन के साथ परिवहन करते हाईवा और ट्रेलर जब्त किया है। तस्करों पर लाखों रुपयों की पेनाल्टी भी लगाई गई है। पकड़े गए वाहनों को चकरभाटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टीम ने शिकायत पर चकरभाटा समेत अलग अलग स्थानों में मुरुम और रेत उत्खनन करते वाहनों को पकड़ा। वाहन चालकों की जानकारी मिलने के बाद खनिज विभाग ने भारी भरकम जुर्माना भी किया है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में कुछ दिनों से कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवागांव बेमेतरा का रहने वाला अजय बघेल अपनी मोटरसाइकिल से तड़के घर जा रहा था, तभी धौराभाटा के पास सड़क पार करते समय उसे कोहरे के कारण एक कार की ठोकर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उसकी पहचान अजय बघेल मारू नवागढ़ के रूप में की है, जो किसी काम से बिलासपुर आया था। हिरी पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। इधर हादसे के बाद फरार
आल्टो चालक की पता साजी पुलिस ने कर ली है। रविवार देर रात शहर के रिंग रोड नंबर 2 में कमिश्नर निवास के सामने एक हादसा हुआ। इस हादसे में दोनों वाहनों में सवार लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो क्रमांक CG10AZ5297 का वाहन जो है ये रिंग रोड नंबर 2 की ओर जा रहा था, तभी चालक ने लापरवाही पूर्वक बोलेरो को टक्कर मार दी। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची है। बोलेरो चालक ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई है। ये तो हुई कोहरे की वजह से परेशानी। सामान्य दिनों में भी हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।